यथार्थं तव देवेश दामोदर मया सह सत्सत्परं पश्चादहं यदि तच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यथार्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वामिगं काञ्चनम् वेदेहि कर्णं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं मालिनीग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हनन एतद्धि रामायणं भगवान् की जय भगवान् की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्रीमती रमन कुमारी माता जी, श्री दिनेश मल्होत्रा जी, श्रीमती अलका आरव अर्णव, इन सभी परिवार की ओर से ये दिव्य प्रभात के लिए आज संपन्न होने जा रही है। छावड़ा परिवार को भी याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। ये परिवार श्री अनंत प्रेम मंदिर वहाँ भी जुड़े थे और हमारे महाराष्ट्र जी गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद श्री ज्ञानंद जी महाराज जी के साथ में भी जुड़े थे। और प्रेम मंदिर और वृंदावन धाम एक कार्तिक मास की महिमा पद्म पुराण स्कंद पुराण में गाई है, प्रतिपादन की। प्रातः काल स्नान की महिमा है। ये कार्तिक मास पुण्य कमाने का सीजन है। जैसे मंडी में सीजन होता है, दीपावली के समय मार्केट में सीजन होता है, ठीक उसी तरह से कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करते हो तो 1200 वर्षों तक गंगा जी में निरंतर स्नान करने का जो फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। 1200 वर्ष बहुत होते हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है और एक स्नान से फल पाते हो 1200 वर्ष।
पुरुषोत्तम मासमी मलमासमी स्नान करने का फल बताया। अभी पुरुषोत्तम मास निकल गया ना, 3 साल के बाद में आता है। तो पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल स्नान करते हो सूर्योदय के पूर्व, तो 12,000 वर्षों तक निरंतर गंगा जी में स्नान करने का जो फल है वो साधक को प्राप्त हो जाता है। 12,000 वर्ष तो कार्तिकेय ने प्रश्न किया भगवान शिव जी से, स्नान की इतनी महिमा है तो स्नान के प्रकार कितने हैं, किस तरह से स्नान करना चाहिए, विधि है। 3:30 बजे से 6 बजे के पूर्व पूर्व गाते सूर्योदय के पूर्व पूर्व स्नान हो जाता है तो साधक को कार्तिक मास के स्नान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। 6 बजे के बाद में स्नान का फल कम, धीरे 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 कम हो जाता है। भगवान शिव जी को महादेव जी को जल चढ़ाते हो तो कहते 9 बजे तक जल चढ़ा लेना चाहिए प्रथम प्रहर, फिर 9 बजे के बाद में जल चढ़ाने का फल कम हो जाता है। शताब्दी का समय होता है तो उस समय गाड़ी में बैठो तो यात्रा मंगलमय हो जाती है, लोकल गाड़ियों में तकलीफ होती है, ज्यादा से ज्यादा फल मिले इसलिए नियम बनाए हैं। महादेव जी से भगवान शिव जी से प्रश्न किया कार्तिकेय ने, बोले पिताजी मुझे स्नान के प्रकार बताओ। भगवान शिव जी ने कहा स्नान के 4 प्रकार हैं। एक वायव्य स्नान है, दूसरा वारुण स्नान है, तीसरा ब्रह्म स्नान है और चौथा दिव्य स्नान प्रतिपादन किया। वायव्य स्नान उसे कहते हैं जो गौवे सवेरे जाती है चरने के लिए तो समय जो गोधूली उड़ती है वो वायव्य स्नान है, और गोधूली कहते हमारे शरीर के ऊपर गिरती है तो कितने पातक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौ के शरीर के ऊपर शरीर में 33 करोड़ देवी देवताएं बताए, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है, और वो देवी देवताओं की कहते धूल हमारे शरीर के ऊपर गिर जाती है तो अनंत जन्मों की जो पातक है वो निवृत्त हो जाते हैं। वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा बताई, पैर के अंदर में जूता पादत्राण न हो, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर रमण करते रहे खेलते रहे और भगवान की धूलि कण करके हमारे शरीर को स्पर्श हो जाती है तो कितने जन्मों के पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वो शक्ति नहीं हम अपने पाप कर्म धो सके। छोटा बालक होता है ना उनके अंदर शक्ति नहीं है वो अपने कपड़े धो सके, कौन कपड़े धोते हैं उनके, है नहीं, कई छोटे बालक की कितने कपड़े धोने पड़ते हैं, धोता है क्या अपने कपड़े, शक्ति नहीं वो बालक के अंदर में माता पिता का। तो हमारे माता पिता को मे वो माता के पिता को मे वो भगवान को पता है कि पाप कर्म बहुत ज्यादा है और ये धो नहीं पाएंगे तो भगवान ने स्नान प्रतिपादन किया है, स्नान करते हो मेरा स्मरण करते हो तुलसी दल भगवान को चढ़ाते हो, तो इस छोटी छोटी चीजों के माध्यम से कहते साधक को बहुत पुण्य प्राप्त हो जाता है और उस पुण्य के द्वारा कहते हमारे पाप कर्म निवृत्त हो जाते हैं। जैसे हम धन कमाते हैं तो जितना धन ज्यादा हो गया कहते तो उतना हम प्लॉट अच्छा ले सकते हैं, मकान अच्छा बना सकते हैं, है गुप्ता जी का मकान पीछे है दीवार, बड़े भाग्यशाली है आप लोग साधक साधक के साथ में देखो। और ये 9 अंक तो बहुत
वैसे भी अच्छा बताया है। और हमारे सेक्टर का नंबर क्या है? 9। तो यहाँ पर ऐसे लगता है हम वृंदावन में रहते, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं भागवत सप्ताह चल रहा है। और मंदिर देखो, यहाँ पे मंदिर ही नहीं था पहले, महादेव मंदिर है, उधर वो नारायण मंदिर है अपना, फिर वृंदावन भक्ति धाम है, और आगे फिर पहाड़ में जाओगे उधर शिव धाम, अभी बद्रीनाथ हो गए ना। तो मंदिर में जाके जल चढ़ाने का फल है। जैसे आप वो वृंदावन जाते हो, ठाकुर जी का दर्शन करते हो, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि दर्शन का फल क्या है। प्रतिमान च हरेर दृष्ट्वा सर्वतीर्थ फलम लभेत, कहते आप ठाकुर जी का दर्शन करते हो या किसी मंदिर में जाके प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों का दर्शन करते हो, तो आपको सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे घर में मंदिर है, छोटा मंदिर होता है, मंदिर छोटा नहीं होता, हम साधना करते हैं तो मंदिर में इसलिए जाना होता है कि वहां दर्शन करने के बाद कहते हैं, क्योंकि मंदिर में आप बैठ नहीं सकते। भगवान शिव जी के पास में जैसे हम हमारे यहाँ पे शिवलिंग है, मूर्तियां हैं, तो मैं वहां पर गुरु जी का मंदिर है और वहां ध्यान लगा के बैठ गया जब करने के लिए, तो क्या होगा? मैं भी डिस्टर्बेंस होऊंगा, क्योंकि साधक को जल चढ़ाना है, वो तो मैं तो होंगे ठीक है, तो वो वंचित रह जाते साधक को, ठीक है। वो वहां पर गाते भगवान का दर्शन कर लिया, जल आदि चढ़ाने के बाद, थोड़ी पूजा करने के बाद में तो अपने मंदिर में बैठ सकते हो, ठीक है। थोड़ा चार्जिंग के लिए तो मोबाइल को जाना पड़ता है, कहाँ पे मंदिर में भी, और वहां पर भी देखो वो तो बंद ही हो जाता है, जब चार्जिंग खत्म हो जाती है तो बंद ही हो जाता है। लेकिन हमारे इसमें ऐसे सिस्टम भगवान ने बनाया, भोजन ना मिले, जल ना मिले, तभी भी शरीर चलता है, और मोबाइल क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। चार्जिंग कराने के लिए जाते तो उसमें लाइन ऐसे चलते हैं, बोलते कृष्ण 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 कृष्ण, आधा घंटा जप करते हैं और उसके बाद में हाफी बोलना शुरू कर देते, उसको भी कहाँ जाना पड़ता है ध्यान करने के लिए। कबीरदास जी कहते हुए मंदिर में प्रतिदिन ना जा सके तो कहते हैं सोमवार को जाओ, जब समय मिलता है, प्रातः काल न जा सके तो कहते सायंकाल जाओ, सायंकाल न जाओ दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन ना जाकर तीसरे दिन कहते तीसरे दिन जाओ, न जा सकते तो हफ्ते में जाओ, ठीक है। और आप हमारा लाभ है भी, लाभ है। जैसे आप ठाकुर जी के साथ चले हो तो हमारी वीडियो बन गई है, हमारी वीडियो बन गई है, और भगवान थोड़ी भी साधना आराधना करके भगवान भूलते नहीं है, भगवान नहीं भूलते। भगवान ने केवट को याद किया है, शबरी के कुटिया में भगवान गए, विदुरानी की कुटिया में गए, कोई बहुत बड़ी साधना बहुत बड़ा अनुष्ठान थोड़ी किया है। भगवान का स्मरण करते हुए शबरी झाड़ू लगाती थी, और झाड़ू लगाना बहुत बड़ा कर्म नहीं है, लेकिन भगवान के लिए मानकर आप झाड़ू लगा लेते हो, भगवान के लिए मानकर आप कर्म करते हो, तो वो भक्ति कर्म बन जाता है। कभी नहीं मानना भी जीवन में रिटायरमेंट हम हो जाएंगे तो हिमालय में जाके साधना करेंगे तपस्या करेंगे, कुछ नहीं होता है। गृहम तपोवनम, हमारा घर क्या है? तपोवन है। हम वृंदावन मथुरा जाते हैं तो हमारे अंदर में बहुत से ऐसे चित्र होते हैं, वो चित्र निकल जाते हैं और ठाकुर जी का चित्र हमारे अंदर में बैठ जाता है। गंगा का दर्शन करते हो तो आपके द्वारा कहते सारी गंगा जी कहते आपके मानस पटल पर आ जाती है। अपने मानस पटल पर गंगा जी आ गए तो अनेकों चित्र गाते संसार के सारे चित्र निकल जाते हैं। तो पहला स्नान वायु स्नान थे, गोधूली स्नान जिसे कहते, बिना स्नान किए हुए भी गौ का स्पर्श कर सकते और गौ के पीछे थोड़ा चले तो कहते आपको कितना फल प्राप्त हो जाता है। अभी तो गोपाष्टमी आ रही है ना, गोपाष्टमी की महिमा है।
गोपाष्टमी में कहते हैं गौ ग्रास है वो ठीक है ना, भगव गौ की पूजा करें, लेकिन गोपाष्टमी के अतिरिक्त भी कहते गौशाला में जाना चाहिए। होता क्या है, गोपाष्टमी के दिन इतने सारे लोग आ जाते हैं और गुड़ 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 मुझे जाना पड़ता है ना गौशाला में, तो हमारे प्रवीण जी बोल रहे थे गुरु जी इतना गुड़ होता है हमें निकालना पड़ता है सारा। लेकिन अन्य दिनों में भी जाकर देखो तो गौवे आपको भुला रही ऐसा लगता है। कभी कभी मैं जन्म गोपाष्टमी के दिन गौ को गुड़ नहीं खिलाता हूँ, जो गौ बाहर घूमते हैं ना तो उनको तो ठीक है, गौशाला के अंदर में सारे लोग एक ही दिन में आ रहे हैं, सभी लोग एक साथ चढ़ा रहे, कितना गुड़ हो जाता है वहां पे। तो गोपाष्टमी को क्या ध्यान रखना, थोड़ा सा गुड़ गौ को खिलाना, और जन्माष्टमी के बाद में कभी जाना होता है ना फिर आप गुड़ का डिब्बा लेकर जाए और गौ को खिलाए अपने हाथों से, कितना अच्छा लगता है। वो सारे संसार को कहते एक ग्रास कहते देखो आपने खिलाया तो सारे संसार को भोजन खिलाने का फल प्राप्त हो जाता है, तो सारे संसार को हम कब भोजन खिलाए जी, बहुत कठिन है। हमारे घर में दो बसे भरकर आ गई, मान लो अभी सत्संग से बाहर चले गए और दो बसे फोन आ गया, दो बसे आ रही, कैसे करोगे आप दो ये में कोई एक मारुति कार में आ रहे रिलेटिव, तभी भी हमें कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सारे संसार को कहते भोजन खिलाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा स्नान बताया वारुण स्नान, मतलब जो आप घर में स्नान करते हो जलाशय जहां पर भी प्राप्त होता है, कार्तिक मास में कहते हैं जहां पर भी जलाशय प्राप्त हो जाता है, जल प्राप्त हो जाता है, स्नान कर लीजिए। घर में स्नान करते हो तो आप नल से स्नान नहीं, वो नल गंगा बोल दो आप, कहां स्नान के लिए जा रहे नल गंगा, तो गंगा जी का स्नान हो जाता है, गंगा जी का स्मरण करें, कहते हैं सौ योजन दूर से भी गंगा गंगा बोलते हो तो गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तीसरा स्नान बताया ब्राह्म स्नान, कहते हैं मंत्रों आते हैं, कहते मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करते हैं, विद्वान लोग मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करते हैं, ठीक है। और दिव्य स्नान बताया चौथा स्नान, कहते जो वर्षा चल रही है और वो बारिश में बैठते हो स्नान करने के लिए वो स्नान है, और एक सूर्य की किरणों के द्वारा कहते हैं सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है ना वो भी ना स्नान है, दिव्य स्नान। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कार्तिक के वारुण स्नान सबसे श्रेष्ठ है और सब आसानी से कर सकते हैं। अब वर्षा आएगी तब हम स्नान करेंगे, बारिश कब आएगी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सूर्य नारायण जब उदित होंगे तब स्नान होगा। वारुण स्नान कहते हैं बहुत अच्छा है, आप घर के अंदर स्नान कीजिए, जहां जलाशय कहीं गंगा जी का स्नान मिलता है या कहीं सरोवर है कहीं तालाब है, ठीक है। तो जहां जल मिले कहते ना मिले कहते कुएं का जल हो, ठीक है। अब हम वो प्राचीन समय वाले बात ले नहीं सकते ना, हमारे घर में नल टंकी कुआ है हमारे घर में, वर्तमान समय में अभी ये नहीं बोलते कुएं का स्नान, वो बहन सवेरे सवेरे कुआं कहां ढूंढेगी जी, हमारे लिए वो टंकी कुआ है। तो आप घर में भी गंगा का स्मरण करते हो, पुष्कर का स्मरण करते हो, प्रयागराज का स्मरण करते हो, कृष्णा गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु ऐसे बोलते हो आप स्नान करें तो कहते सारे तीर्थों में जो जो नाम आप लेते हो उन उन तीर्थों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। विष्णुदास नाम के ब्राह्मण ने तुलसी दल भगवान को चढ़ाया था और तुलसी दल चढ़ाने मात्र से कहते हैं उनको पुष्पक विमान लेने के लिए भगवान स्वयं लेने के लिए आए। विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को स्वयं भगवान लेने के लिए आए और विष्णुदास उन्हें व्रत कर लिया है। तुलसी दल सामान्य पत्ता नहीं है, वनस्पतियों में तुलसी, देवताओं में भगवान विष्णु, पक्षियों में गरुड़, तिथियों में एकादशी, नदियों में गंगा, वनस्पतियों में तुलसी और तिथियों में एकादशी, भगवान का दिन मुझे बहुत प्रिय है।
और ये तुलसी दल चढ़ाने का फल प्रतिदिन मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ साधक नए होते ना, कुछ हमारे साधक को तो जो हर दिन सुनते हैं उनको तो याद हो गया। एक तुलसी दल आप चढ़ाते हो, गर्भ संहिता में बताया, एक तुलसी दल कितना फल प्राप्त हो जाता है? 100 मन सोना और 50 मन चांदी। कितना जल्दी बोलते हो, 100 मन सोना दुकान में है? जो दस को भी हम पूछे 100 मन सोना आपके पास में, अभी हम भगवान को चढ़ाना है, बोलो। पहले तो आपको बॉडी गार्ड साथ में जाना पड़ेगा, गाड़ी के साथ में आगे पीछे गाड़ी, तब इतना सोना ला सकते, ठीक है। 50 मन चांदी और 100 मन सोना दान करने का फल, इतना फल कौन देता है? कोई नहीं है जी। अब जो अपने भारत में बड़े बड़े लोग हैं ना, अंबानी को आप पूछो, अभी 100 मन सोना चढ़ाना है जी, 100 मन क्या बोलेंगे वो? बातें नहीं करेंगे वो। आप ये नहीं मान रहे हम अंबानी नहीं, हम सब अंबानी है। तुलसी दल चढ़ाते हो तो आप कौन हो गए? अंबानी से भी बड़े हो गए। अंबानी भी इतना दान नहीं कर सकता, इतना चढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो तुलसी दल आप भगवान को चढ़ाइए कार्तिक मास में, अन्य दिनों में भी चढ़ा सकते हो, लेकिन कार्तिक मास में कहते 100 मन सोना और 50 मन चांदी दान करने का फल है। और जो फल आपको पुण्य कर्म मिल जाए, तो उस पुण्य कर्मों के द्वारा आपके पाप कर्म क्या है, विवृत हो जाते हैं। जैसे हम पैसे अच्छी तरह से कमा लेते हैं, उस पैसों के द्वारा फिर अच्छी चीज आप खरीद सकते हो, है जी, अच्छी चीज खरीद सकते हो। अब कोई बहन ने पैसे वो परिवार ने पैसे प्राप्त कर लिए, उन्होंने सेक्टर में प्लॉट लेना है, होने 2-3 करोड़ का, 4 करोड़ ले सकते हो, ले सकते हो। तो उस पैसों के द्वारा आप चीजों को खरीद सकते हो, उसी तरह से पुण्य कर्मों के द्वारा आप अपने पाप कर्मों को निवृत्त कर सकते। और भगवान बैठे ना फल देने के लिए, सुदामा से थोड़े चावल वो ले लिए भगवान ने और ग्रहण स्वीकार किए हैं, तो सुदामा को कितने भी अभी हाँ। वो लेते हैं कम और देते हैं। माता पिता में भगवान में एक विलक्षणता है, रिलेटिव ने किसी ने 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए दे दिए, तो बालक के 5000 हो गए, माँ माता पिता के पास दे दिए उन्होंने बालक ने, वो लेते हैं क्यों? उसमें जन्मदिन आ गया, उसमें और 5000 मिला के साइकिल लेकर आए, ठीक है। साइकिल भी पूछा मैंने, वो बालक चल रहा था, तो मैंने बेटा साइकिल कितनी के, मौली बांधी ना मैंने उसमें, बोले गुरु जी मौली बांध दो, उसके लिए तो मारुति कार है, ठीक है, मौली बांधी। मैं ऐसे ही पूछा मैंने को, बेटा कितने के लिए? बोले 11,000 की है गुरु जी, मेरा जन्मदिन है, 11,000 में आश्चर्यचकित हो गया, 11,000 की साइकिल, ठीक है। अब वो माता पिता ने देखो अपने पास में 5-6 हजार थे, वो मिलाए बालक के 5,000 थे और उसमें 6,000 और मिलाए, कितने हो गए? ये कौन मिलाते? और किसी को बोलो तो बोल दो भाई हमारे बेटा ने साइकिल ले रहा, उसमें मिलाओ, है जी, कठिन है ना। किसी को मारुति कार में 25 लाख की पसंद आ गई, तो उसने सबको रिलेटिव को कहा से 5-5 लाख डालो, तो उसमें फटाफट डालेंगे, गूगल से भेज दिए 5-5 लाख, बोलो। मैं केरला की बात कर रहा हूँ, कहाँ की? केरला। कितना कठिन है, सोचना पड़ता है भी, लेकिन भगवान कहते हैं त्वमेव माता च पिता, अजामिल ने नारायण का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, और जिस समय नारायण का नाम लिया उन्होंने जीवन में कोई पाप मतलब पुण्य कर्म नहीं किए थे, अंतिम समय में देखो प्रयाण काल के समय में नारायण का नाम लिया था, और वहां पर यमराज के दूत भी पहुंचे और विष्णु के दूत भी पहुंचे, और विष्णु के दूत कहते वो यमराज के दूतों को मारने लगे, और उनके जो पासा डाला था गले में खींच रहे थे, और वो देखा अजामिल ने देखा है खींच रहे मुझे, उनका पासा तोड़ दिया विष्णु के दूतों ने, तो गले में तो रस्सी रह गई, और आधी रस्सी का तेल हाथ में जो थी वो यमराज के पास लेकर गए, तो यमराज ने कहा कि हाँ गए तो साधु भाव से वो आप आ गए हो, तो जो पिटाई हो गई ना उनकी, तो सबके टमाटर जैसे शक्ल हो गई थी,
बोले ऐसी स्थिति कैसी हो गई? बोले हम एक जगह गए थे, नारायण का नाम लिया, तो यमराज ने कहा कि ऐसी जगह क्यों गए हो तुम जहाँ पर मेरे भगवान का मेरे गुरुदेव का स्मरण करते, वहां नहीं जाना, अब भूल नहीं करते ऐसी। ठीक है, जो कोई साधक सत्संग में बैठा हो, ठीक है, कीर्तन कर रहा हो, भगवान को जल चढ़ा रहा हो, ऐसी जगह नहीं जाना। और कहा कि सत्संग में कोई साधक सो भी गया उनके पास में भी नहीं जाना। कान भी कहा है अमराज अपने दूतों को अगर सत्संग में, मैं तो बोलते भी घर में सोने के अपेक्षा कान सोने लेकिन सत्संग में देखो नींद नहीं आती है, सत्संग में नींद नहीं आती। हमें जो सत्संग में पार्वती देवी को नींद आई थी कि नहीं, हमें आगे पता पार्वती देवी भी अमर कथा से श्रवण करते करते पार्वती देवी, लेकिन सत्संग भी कहते लाभ क्या है भाई? वो किसी बहन को कहते नींद आ गई थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसी समय को वो जय श्री कृष्ण बोल दिया तो नींद क्या हो गई? कहते आरती के समय में भी पहुंच जाते हो, लास्ट समय भी पहुंच जाते हो, चलते चलते आपने शताब्दी पकड़ ली है, चल गाड़ी शुरू हो गई और उसमें बैठ गए तो हर बार पहुंच सकते कि नहीं? लेट हो गए ना प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए, वो बेल हो क्या उसको भीषण दे दी, सीटी बज गई और न हो गए और गाड़ी बिल्कुल बस चलने के लिए शुरू हो गई। उसी समय कहते कोई बैठ गए गाड़ी में, आओ आओ तुम आ जाओ जल्दी, वो बहन ने हाथ पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा दिया, यात्रा हो गई कि नहीं? तो भगवान की स्मरण भी बड़ी दिव्य शक्ति है। तो अजामिल ने जिस समय नारायण का नाम लिया तो विष्णु के दूतों ने कहा भाई उन्होंने नारायण का नाम लिया है, तो यमराज के दूत बोल रहे थे तो अभी नारायण तो उनके बेटे का नाम है, बोले नारायण तो बेटे का नाम तो अभी रखा है लेकिन नारायण का नाम तो पहले से, तो नारायण का नाम लेने से ठीक है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि इन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया है, सारे पाप कर्म ही है। विष्णु के दूतों ने कहा उन्हें एक बार नारायण का नाम लिया ना तो उन्हें सारे प्रायश्चित कर लिए, क्या सारे प्रायश्चित कर लिए। तो यमराज के दूतों को भी आश्चर्य होगा भी भगवान का नाम लेने से नारायण नारायण बोल दिए और सारे प्रायश्चित कर लिए। प्रायश्चित समझते हो झाड़ू लगाते समय कीटियां मर जाती है, ठीक है, गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी के नीचे भी कितने कीटाणु आ जाते हैं, ठीक है, सैर करते समय देखो अंजन में पाप कर्म हो जाते हैं, और गाड़ी मारुति कार बहुत स्पीड से चल रही है, रास्ते पर कोई प्राणी आ रहा है, ठीक है, किसी जन्म में कहते ब्रह्मत्या जैसे पातक हो गए, कहते हैं जिसने नारायण का नाम लिया कहते हैं उनके सारे प्रायश्चित हो, ऐसा भागवत श्रीमद भागवत जी में कहा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कहते भगवान का नाम लेने से कहते हैं सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, सर्व पाप विनाशनम सारे पाप कहते निवृत्त हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सारे पाप कहते भगवान का नाम लेने से, और प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम, कहते आप भगवान को एक प्रणाम करते हो तो एक प्रणाम का फल कितना बताएं, सारे दुखों की निवृत्ति करते हैं। ये जो भगवान को प्रणाम करते ना दीर्घ काल प्रणाम बताया गया, थोड़ा सा सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। तो कहा मेट अत कठिन कुअंक भालते, अपने माथे के ऊपर जो कुअंक लिखे होते ना वो मिट जाते। सुदामा ने प्रणाम किया भगवान को तो भगवान ने क्या कर दिया, सुदामा के माथे के ऊपर कुअंक लिखे हुए थे, तीन जन्मों तक सुदामा दरिद्र रहेगा ऐसा लिखा। भगवान ने क्या कर लिया है, चंदन लगाते लगाते श्री क्षय था यशह श्री कर दिया उसने इसी जन्म में। भगवान समर्थ थे, वो माथे की रेखा भी क्या करते हैं बदल देते हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यतर्वण अदितास्तेन एनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्, कहते जिस समय भगवान का नाम लेते हो आप हरि गोविंद माधव कृष्ण ऐसे नाम लेते हो
तो कहते चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है, चारों वेदों का। ये जो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा ना, ये मुझे लाए, ये जो मंत्र मिला है श्लोक पढ़ाई करते तब 10 साल के बाद मिला। कब? 10 साल के बाद। हम तो भी हरि का नाम लेने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, कृष्ण का नाम लेने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, ये तो हमने बार बार सुना है पढ़ा ठीक, लेकिन कैसे निवृत्त हो जाते हैं, कितना फल है ठीक है। जो वशिष्ठ महाराज जी की स्मृति पढ़ी मैंने तो कहा ऋग्वेदो तो यजुर्वेद साम वेदो यकर्मण अतितास्ते नेनोक्तम हरिरिति अक्षरद्वयम्। जिस समय आपने हरि बोल दिया उसी समय चारों वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना फल कौन देता है? चारों वेदों का। एक वेद पढ़ने के लिए कितना समय लगता है? अभी आपने श्रीमद् भागवत जी के श्लोक पढ़े हैं, जो सुनने वाले को भी वही फल है और बोलने वाले को भी वही फल है, मुझे भी वही फल है। तो चार चतुर्श्लोक की भागवत आपने चार श्लोक बोले तो कितना फल हो गया? एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं तो 32 कपिला गोदान करने का फल, चार श्लोकों का फल कितना हो गया? 128। फटाफट बोलते कि नहीं, 128 गौ दान करने का फल है। और अच्छी गौ दान करना है, प्रवीण जी को पूछा मैंने गौशाला में, बोल दी 80,000 की गौ है बछड़ों के साथ में, अच्छी गौ दान कितने 80,000 की। तो आपने गौ में कितनी दान की? 128। इतना फल है भाई। इसलिए हरि का स्मरण है, भगवान का स्मरण है करते रहना। और ये हमारा मोबाइल हमारा रिलेटिव है, जिसे मैं हाथ में लेते हुए किसी को मिला दे जय श्री कृष्ण कैसे हो किसी ठीक है, मंगल है कुशल मंगल हो जय श्री कृष्ण ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी तो जय श्री कृष्ण करके अपना क्या करना। हाँ, जैसे वो पहले फोन होते थे ना 12 बजे से फोन करते, वो उसको पल साथियों के सामने भगवान का दिव्य नाम है। तो हमारी वाणी में भगवान का नाम आए अभ्यास करना पड़ता है। देखो घड़ी किस भी भाग रही है, विचार के लिए सत्संग करो, सभी बहनों को भजन मिले ठीक है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है ये अलका बहन जी के यहाँ पे सभी लोग साधक लोग पहुँचे, हमारे साथ में भी वहाँ मंदिर से ना बहुत साधक थे ठीक है, साथ में आंवले को वृक्ष के नीचे रुके हम, थोड़ा आंवले के वृक्ष की तरफ देखने से भी कहते वृक्ष के नीचे जाते ना बड़ा फल होता है, हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, विचार अच्छे हो जाते, प्रभाव पड़ता है ना जमीन का, सारा प्रभाव पड़ता है भाई, प्रभाव पड़ता है। आप आंवले के वृक्ष के नीचे रखो आपके ऊपर रखो तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, विचार अच्छे आते हैं। तुलसी दल के पास जाओ आप तो आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, कितना फल प्राप्त होता है ठीक है। तो कुछ भूमिका सब जगह का प्रभाव पड़ता है भाई। हम वो कभी कभी एसी डिब्बे में जाना पड़ता है दिल्ली या वो मुंबई से, वो आना पड़ता है ना कभी, जो होता है तो वो फर्स्ट क्लास वो टिकट में जाना पड़ता है, तो कभी उसमें सारे को प्रभाव होता है ना उसका, सारे गंभीर कड़े होकर बैठे, कोई किसी के साथ बात न करे। तो मैंने उसी पर्दा ऐसा कर लिया, को पूछा है गुरुदास, मैंने कहा कोई बात नहीं करते गुरु जी बड़े लोग तो बड़े लोग से बात करना मना है क्या? बात करना मना नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो इतना प्रभाव पड़ता है ना उस डिब्बे का, उस में जाने के बाद में बस गुप्ता जी यात्रा के काम में होगी, वो भी किसी के साथ नहीं, मैं दिल्ली से आना पड़ा, मैं चलो दिल्ली वालों को बोले बोलूँ अपना जाप करके मैं बैठा था डिब्बे सीट के ऊपर, बगल वाले को पूछा मैं राजनीति में बात करने में बोली बोली बड़ी उस डिब्बे का प्रभाव पड़ता है भाई, प्रभाव पड़ता है तो बोले गुरु जी आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हैंड वॉश करने जा रहा हूँ, वो लोग बड़े खुश हो गए, इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ को इंग्लिश बोलना पड़ता है, हिंदी से आने और भले इंग्लिश ना आ जाए वहाँ पे इंग्लिश बोलने सब पसंद होते, बाहर आने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता है, इसलिए डिब्बे का प्रभाव पड़ता है, भूमि का प्रभाव पड़ता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, वहाँ पर जो गंभीर न होने वाला भी व्यक्ति वहाँ पर क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और जिसने राधे राधे का भी बोला नहीं है महाराज जी का, वो ज्ञानंद जी महाराज जी का हमारे वो चल रहा है, वहाँ की धुन लग रही है, सब लोग नाच रहे हैं,
नृत्य करे तो उसमें जो राधे राधे नहीं बोलने वाला वो भी क्या है, बोले। और जो कभी जिंदगी में नाचा ही नहीं होगा वो भी जिस भीड़ के अंदर में देखो।